सो गुड इवनिंग, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी तक की अगर बेटा हम बात करें तो हमने एटम देख लिया, हमने मॉलिक्यूल देख लिया, हमने मॉलिक्यूल बनते समय बॉन्डिंग समझ ली और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी। ठीक है, अब जनरली जब हम बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एटम और मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग, हाँ आपने एक एटम के लिए बताया और वो सबके लिए वैलिड हो जाएगी, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप बल्क मटेरियल या आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एटम के लिए ही डिफाइन करते हैं। जैसे एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कभी भी एक एटम या एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जब बल्क में मटेरियल होगा, बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल होंगे, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट वाला टर्म वैलिड आएगा। समझ में आया? तो यही है आपके स्टेट्स ऑफ मैटर का बेस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजिकल, एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहला एग्जांपल ले रहे बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ H2O। ठीक, ये सारी चीजें आप 7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो H2O आपको आइस के फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट हो गई, वाटर के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेट हो गई, और स्टीम के फॉर्म में मिलेगा, गैसियस स्टेट हो गई। ये सबको पता है, इसमें किसी को कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल। अब क्या है, चाहे आप आइस ले लीजिए, चाहे आप वाटर ले लीजिए, चाहे आप स्टीम ले लीजिए, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सब में सेम है। ओके, केमिकल फॉर्मूला सब में सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। फिजिकल स्टेट डिफरेंट, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। हाँ, केमिकल फॉर्मूला आपका सबके लिए सेम है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी जो इनकी सेम केमिकल फॉर्मूला होने के बाद भी इनको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में लेके आ रही है। यस, बिल्कुल, आपने पहले तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होती हैं और उन्हीं को अब डिटेल में समझना है। ठीक, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले एक टर्म समझें, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये वो फोर्स हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं। हाँ, एटम के बीच भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन चलिए इसको लिख लेते हैं। हाँ, इसको लिख लीजिए। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। अब इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कौन है? एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम्स भी हो सकते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फाइन, हाँ, प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल के अंदर वाले फोर्सेस हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं बॉन्डिंग में, कौन कौन से थे? आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, दो पढ़े थे हमने। इनमें जो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, इनको काउंट नहीं करना है, ये फोर्सेस डिफरेंट हैं, ध्यान रखिएगा। जो अट्रैक्शन फोर्स आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में, यहां पर बॉन्ड लिख लीजिए चाहे तो आप, हाँ, और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पर जो फोर्सेस लग रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया था उसे हमने, ठीक है, उनको छोड़ के जो फोर्सेस लगेंगे वो आपके कहलाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस।
सो दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसे आप कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब जरा देखें तो यहां पर एक और टर्म आता है, दैट इज वॉन्डर वॉल फोर्सेस। हाँ लिख लीजिएगा, एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर, एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वॉन्डर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो वॉन्डर वॉल फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। ये नाम पहले हमने कहीं पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने गैस लॉज में कुछ मॉडिफिकेशन किए, तो उनको आगे पढ़ेंगे, अभी गैस लॉज हमें पढ़ने हैं, पहले स्टेट को देख लें, समझ लें। ठीक है, अब ये जो वॉन्डर वॉल फोर्सेज है बेटा, इसके अंडर में ये आप कह सकते हैं ये इन फोर्सेस को इंक्लूड करता है। तो फर्स्ट फोर्स लिखिएगा, फर्स्ट फोर्स का नाम है लंदन फोर्सेस। हाँ ये भी साइंटिस्ट है बेटा, लंदन साइंटिस्ट है। और इसी का दूसरा नाम भी है डिस्पर्सिव, ये डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड लिखिएगा डाइपोल, हाँ डिटेल में भी बात करेंगे, पहले नाम लिख लीजिए इनके, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, दो डायपोल के बीच इंटरैक्टिव फोर्स जो है। और थर्ड लिखिएगा डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अभी समझा रहे हैं ये क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो हमने आपसे कहा कि इंटरैक्टिव फोर्सेस जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं उनको हम क्या कहेंगे, वॉन्डर वॉल फोर्सेस कहेंगे। और वॉन्डर वॉल फोर्सेस जो हैं ये तीन टाइप के होंगे, फर्स्ट आपके आएंगे लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, सेकंड आपके आएंगे डायपोल डायपोल के बीच जो फोर्सेस होंगे, और थर्ड आपके आएंगे डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, फाइन। तो अब जरा फर्स्ट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, और फर्स्ट हेडिंग डालिएगा लंदन फोर्सेस, इसी का नाम है आपका डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। हाँ, अब इसको समझने के लिए आप ऐसा एज्यूम कीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, अभी मैं एटम से समझा रहा हूं, बाद में मॉलिक्यूल के लिए एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास एक एटम है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इस पे हम नेगेटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये ब्लू कलर से मैंने आपको नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये नॉन पोलर है, पढ़ा था ना पोलर, यस। तो डायपोल मोमेंट जीरो है, ध्यान रखिएगा बेटा, डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है, या आप ये भी कह सकते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर आपको याद हो तो हमने आपको डायपोल बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल नाम यूज किया था, और हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज एक साइड, नेगेटिव चार्ज एक साइड, ठीक है, ओके। इसको अभी हम नाम दे देते हैं एटम ए, और बिल्कुल ऐसा ही एक और एटम लेते हैं, ये भी नॉन पोलर है, और ये हमारा आ गया एटम बी, फाइन, और ये दोनों पास में रखे हुए हैं। अब दोनों न्यूट्रल हैं, इन दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक, यस। हाँ, आप इसे बाद में मॉलिक्यूल भी ट्रीट कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी अप्लाई होगा। अब क्या होता है बेटा कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा एज्यूम करते हैं कि ए के चार्जेस में थोड़ा सा इंबैलेंस हुआ, ये सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक हो गई या अनसिमेट्रिक, जैसा भी आप टर्म यूज करना चाहें, ठीक है, सिमेट्री नहीं रही, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां पर बनाऊं तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर आ गया, होगा तो बाकी जगह भी, लेकिन ओके, इधर की साइड आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्कर मैंने कर दिया है, जिससे आपको दिखे कि कंसेंट्रेशन जो है नेगेटिव का वो स्लाइटली हायर हो गया।
ध्यान रखिएगा, ये बेटा इंस्टेंटेनियस है, ऐसा नहीं कि ये पहले से था, ये हाँ उसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस है, ठीक। तो एसिमेट्रिक होने की वजह से आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सडनली जो है कुछ डिस्टर्बेंस आया और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो चार्ज हुआ, इसकी वजह से एक, यस आप इसे क्या कह सकते हैं, डायपोल तो बन गया, अभी ये डायपोल बन गया, हाँ इसे आप क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी डायपोल कह सकते हैं, ओके इंस्टेंटेनियस है, टेम्परेरी डायपोल नाम यूज कर लीजिए, टेम्परेरी डायपोल हो गया। ये कौन है, ए है ये। अच्छा, इसके बगल में बी रखा हुआ था थोड़ी देर पहले, जैसे ही ये टेम्परेरी डायपोल बनेगा, अब देखिए नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ऐसी बात हम पहले कर चुके हैं कहीं, अगर आपको याद हो तो, याद आया पजांस रूल हमने पढ़े थे ना, उस समय हमने आपसे कहा था कि ना तो कोई परमानेंट कोवेलेंट होता है, तो खैर अभी उसकी बात अभी हमें नहीं करनी है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये टेम्परेरी डायपोल बन गए थोड़े से किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, तो अब इनमें क्या होगा, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, और यही फोर्सेस कहलाते हैं लंदन फोर्सेस। समझ में आया, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक नॉन पोलर एटम था या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल भी ले लीजिए, नॉन पोलर मतलब कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, डायपोल मोमेंट जीरो था, कुछ डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से एक टेम्परेरी डायपोल मोमेंट आया ए में, ए के पास था बी, जैसे ही ए में डायपोल मोमेंट आया, डिस्टरबेंस बी तक पहुंचा और बी को नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, उसकी वजह से बी भी एक डायपोल बन गया, कैसे बने, टेम्परेरी डायपोल, और इन टेम्परेरी डायपोल्स में जो अट्रैक्शन होगा उसी को आप कहेंगे लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो अब बेटा इन जो लंदन फोर्सेस हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर वन लिखिएगा, हाँ जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डायपोल्स, ओके, तो आप लंदन फोर्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका बन चुका है। सेकेंड पॉइंट है आपका, जो ये फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस आर ऑलवेज, ये फोर्सेस लंदन फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, जो इनकी वजह से इंटरैक्शन एनर्जी होती है बेटा, हाँ ये आगे भी हम पढ़ेंगे, एक्चुअली इसकी डिटेल जो है वो क्लास 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तब जाके ये डेरिवेशन भी आता है वहां पे, ठीक है, हाँ, तो इंटरैक्शन फिजिक्स में इंटरैक्शन एनर्जी लिख लीजिए, चलिए ई में कंफ्यूजन हो जाएगा, एनर्जी लिख लीजिए, इंटरैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे r जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन डायपोल्स, डिस्टेंस बिटवीन एटम मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं, डायपोल्स लिख लीजिए क्योंकि हम डायपोल के बारे में ही बात कर रहे हैं, r इज डिस्टेंस बिटवीन डायपोल्स, फाइन। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो r है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस 500 पिकोमीटर की रेंज में रहना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस, यस, ये इफेक्टिव तभी होंगे जब आपका डिस्टेंस जो है वो 500 पिकोमीटर की रेंज में हो, क्लियर। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इनका फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज कितना होंगे इस पे डिपेंड करेगा, फाइन।
तो ये आपके फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस जिन्हें आपने क्या नाम दिया था, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, उनकी बात हो गई। साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, FRITZ, फ्रिट्ज लंदन, उनके नाम पे ये फोर्सेस आते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फोर्स हो गया। सेकंड फोर्स लिखिएगा, सेकंड हमने आपको बताया था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाँ देखिए, हैं तीनों फोर्स डाइपोल डाइपोल के बीच में ही हैं, एक टेम्परेरी है यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसे समझते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि आपके पास सारे के सारे जो एटम या मॉलिक्यूल हैं, हाँ मॉलिक्यूल स्पेशली, वो आपके हमेशा कैसे मिले आपको, नॉन पोलर मिले, भाई पोलर भी तो हो सकते हैं। ये देखिए एक एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा हूं, HCl ले लिया हमने, ठीक है। HCl में आपको पता है कि एक साइड H होगा, एक साइड Cl होगा, और Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, यानी इसमें कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और हाइड्रोजन के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान रखिएगा आयंस में और इनमें थोड़ा डिफरेंस है। आयंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा एक के पास चला जाता है, एक दो जितने भी इलेक्ट्रॉन जाने, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर शिफ्टिंग होती है। अब बेटा ये जो पार्शियल चार्ज है आपके पास, ठीक है, ये आयन नहीं बने, Cl- आयन नहीं बना है, बस मॉलिक्यूल में ही थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब यहीं पे आपने एक और मॉलिक्यूल लिया, इसमें भी होगा H और Cl, फाइन, बिल्कुल सही, जैसा हमने कहां देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बट वहां पे एटम अलग थे, उसकी बात भी अभी करेंगे, सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट उतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि वो किस में था, फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सीएल में नहीं था, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, बात समझ में आ रही है। अभी इस केस में और पहले वाले केस में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपके पास ये परमानेंट डायपोल है, प्रीवियस केस में डिस्टरबेंस की वजह से टेम्परेरी डायपोल जनरेट हो रहे थे, तो यहां पर डिफरेंस क्या आया, इसीलिए उसका नाम है डायपोल डायपोल फोर्स, ऐसे फोर्सेस जो दो डायपोल के बीच में लगे, ठीक है, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं, चलिए पॉइंट लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डायपोल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू परमानेंट डायपोल, लंदन फोर्सेस क्या थे, टेम्परेरी डायपोल्स थे वहां पर, फाइन, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर होंगे लंदन फोर्सेस से, स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस, वहां पे टेम्परेरी बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये वीकर होंगे आयनिक बॉन्ड के फोर्स से, ठीक है, हाँ, weaker than ionic forces, तो वैसे भी ionic forces को हमें count नहीं करना, लेकिन जैसे आपको बता दिया कि ये उसकी strength इनसे कम होती है, तो ये H plus Cl minus जो है जो बना है, या Na plus Cl minus जो आपका बनेगा, वो ions जो बनेंगे उनके comparison में ये bond जो force होंगे, attractive forces, ये थोड़े से weak होंगे, clear, बिल्कुल बिल्कुल, okay, next देखिएगा, इंटरेक्शन एनर्जी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, हाँ ऑल्दो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी इंटरेक्शन एनर्जी जो है ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, ये है आपका स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेकिन यही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वही 1 बाय
आर टू दी पावर सिक्स आ जाएगा, इंट्रैक्टिंग एनर्जी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी वन बाय आर टू दी पावर सिक्स के, जब आपको कहा जाएगा रोटेशनल पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट क्योंकि एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हुए हैं, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं आता कहीं पे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जनरली वन बाय आर टू दी पावर सिक्स आएगा, हाँ, बट अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वन बाय आर क्यूब इंटरेक्टिंग एनर्जी ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके ओके, अच्छा थर्ड लिख लीजिए। थर्ड क्या है? थर्ड है बेटा डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास जैसे HCl अभी हमने लिया था, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है A और B, एक के पास पार्शियल पॉजिटिव, एक के पास पार्शियल नेगेटिव, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इस पे आपने एक रखा एटम या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक, हाँ ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर। लेकिन अब होगा क्या, इसके बगल में जो ये पोलर मॉलिक्यूल रखा है ये क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव को इधर लाएगा और नेगेटिव को इधर कर देगा। समझ में आया कुछ? इसकी वजह से आप कह सकते हैं इसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस मतलब इसकी प्रेजेंस की वजह से ये चार्ज आ रहा है, अदरवाइज वो कैसा था, नॉन पोलर था, बिल्कुल भी उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, बट इसमें प्रेजेंस की वजह से वो क्या बन गया, इंड्यूस हो गया और खुद बन गया नॉन पोलर से पोलर, नॉन पोलर से पोलर हो गया बेटा। समझ में आया? था नहीं, था नॉन पोलर लेकिन पोलर हो गया, और जैसे ही पोलर होगा इनके बीच क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या था, दोनों टेम्परेरी थे, यहां पे क्या, सेकंड क्या था, दोनों परमानेंट डायपोल थे, थर्ड क्या था, आप कह सकते हैं एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि वो जनरेट हुआ है, राइट, इंड्यूस कहते हैं इसको, बिल्कुल। तो ये थ्री फोर्सेस आपके हो गए, और यहां पे भी कभी भी आपसे इंटरेक्शन एनर्जी जनरली पूछा जाए, कोई चीज और मेंशन ना की जाए, तो याद रखिएगा इंटरेक्शन एनर्जी आपको आंसर लिखना है वन बाय आर टू द पावर सिक्स, ठीक है। हाँ, मेंशन कर दिया कि स्टैटिक डायपोल हैं, स्टेशनरी डायपोल हैं, तो फिर आप दूसरा लिख दीजिए, बट जनरली ये आंसर रहना है आपका। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे सेकंड और थर्ड मैंने जब आपको बताए, तो ये जब होंगे तो साथ में लंदन फोर्सेस हो सकते हैं, तो नेट इफेक्ट आपका कुछ और बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे पोलर और इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल है, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एटम और कैसे होंगे, न्यूट्रल न्यूट्रल वाले भी होंगे, उनके बीच लंदन फोर्सेस भी हो सकते हैं, क्लियर, यस। तो नेट इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, क्लियर। और फोर्थ पॉइंट चाहे तो लिख लीजिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये आपका स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल है, याद आया, वहां पर क्या थे, एच एफ बॉन्ड था, एच ओ बॉन्ड था, अच्छा एच एन लिख दिया ऊपर, ओके कोई बात नहीं, एच एफ अब लिख लेते हैं, ठीक।
तो एच एफ, एच ओ और एच एन, इन तीन केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो ये तीनों क्या बन गए? ये तीनों क्या हैं? ये हैं आपके परमानेंट डायपोल। ओके, तो इसके बगल में अगर आप एक NH आ जाएगा या OH आ जाएगा, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ये जितने फोर्सेस हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, तीनों के तीनों फोर्सेस, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो आपका थ्री मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनका डायपोल मोमेंट हाई होता था। समझ में आ गया? सो डायपोल मोमेंट हाई होने की वजह से डायपोल मोमेंट हाई होने की वजह से क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। क्लियर? तो बेटा बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और अगर हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहला पॉइंट है वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है बेटा, वो फिक्स होता है। इसी तरह से लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, बट जब आप बात करते हैं गैसेस के वॉल्यूम की, तो ये फिक्स नहीं होता है। आप जिस कंटेनर में गैस को डाल देते हैं, वो उसी का वॉल्यूम अटेन कर लेता है। फाइन, तो वॉल्यूम वाली चीज क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं शेप की। शेप, हाँ, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ठीक। लिक्विड का फिक्स नहीं होता शेप। हाँ, आप वाटर लीजिए और ग्लास में डाल दीजिए तो सिलेंडर शेप ले लेगा, और बाउल में डाल दीजिए तो हेमिस्फेरिकल शेप ले लेगा। जिस शेप में आप डालेंगे वही शेप लेने की कोशिश करेगा। सेम वे गैस का भी कोई शेप फिक्स नहीं होगा। ये समझ में आया? ओके, अब बात कर रहे हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की। तो सबको पता है कि जो सॉलिड होते हैं उनमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे लिख लीजिए वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड के केस में हम कह सकते हैं मॉडरेट। यस, मॉडरेट इज द राइट टर्म। और गैसेस के केस में हम कह सकते हैं वेरी लेस। ओके ओके, अब बात आई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में वेरी स्मॉल, गुड, वेरी स्मॉल। लिक्विड में रिलेटिवली हायर या मॉडरेट लिख लीजिए, मॉडरेट लिख लीजिए। यस, मॉडरेट। और गैसेस के केस में वेरी लार्ज। अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल या लार्ज है ना, ये उनके साइज के रिस्पेक्ट में है। हाँ, आप स्मॉल या लार्ज आप कहें सर एक किलोमीटर का डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। उनके साइज के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस लार्ज है स्मॉल है। फाइन, ओके। हाँ, डेंसिटी जनरली आप बात करेंगे तो डेंसिटी सॉलिड की हाई, लिक्विड की मॉडरेट और गैसेस की लो। एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक दो एक्सेप्शन आपको मिल सकते हैं, बट जनरल जनरल बात कर रहे हैं, ये आएगा। ये सब आपने पढ़ा भी हुआ, ठीक है। और इसी तरह से कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल, सो कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो, बिल्कुल। लिक्विड के केस में आप अगेन कह सकते हैं मॉडरेट, और गैसेस को आप इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे compressibility very high। Clear है? तो ये सब चीजें हम पढ़ते आए हैं, सबको याद भी है। अब बेटा इनको दो और चीजों से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, दो फैक्टर हैं, उनकी बात थोड़ी देर पहले हमने की थी एक फैक्टर की, तो दो अपोजिट टेंडेंसीज हम कह सकते हैं। So, two opposite tendencies। एक तो है आपकी intermolecular attraction,
इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्शन। हाँ नोट कर लीजिए, फिर समझा रहा हूं आप, ठीक है। और सेकंड है आपकी नंबर टू लिख लीजिए, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इन्हीं के बेसिस पर आप सॉलिड लिक्विड और गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो दो डिफरेंट अपोजिट टेंडेंसीज हैं, ये आपका डिसाइड करती हैं कि आपका जो स्टेट है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसेस स्टेट होगा। फाइन, ओके। सो जब आप बात करेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की, तो ये क्या करता है? ये ट्राई करता है बेटा आपके मॉलिक्यूल्स को साथ रखने की। सो ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये बात समझ में आई? ये चाहेगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो चाहेगा कि मॉलिक्यूल्स पास पास रहे, और ये जो थर्मल एनर्जी है ये बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगी। ठीक, ये क्या करेगी? ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल अपार्ट। ओके, तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी अप्रोच हो गई। आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक थर्मल एनर्जी है, एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, दोनों अपोजिट हैं। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और थर्मल एनर्जी कम होगी, वो क्या करना चाहेगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इसको बिल्कुल बिल्कुल आप इसको ऐसे लिखिए, ए पार्ट लिखिए सॉलिड स्टेट। यस, अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे हम इसे डिफाइन करें, सॉलिड स्टेट। तो जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा होगा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऊपर हमने पढ़ा था अभी, वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लार्ज होगा, ठीक है। और थर्मल एनर्जी जो होगी, थर्मल एनर्जी, ओके, इसको आप लिख लीजिए, इज वाइब्रेशनल ओनली। ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड में आपके जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो केवल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वाइब्रेशनल है तो एनर्जी रिलेटिवली कम होगी। यस यस, ठीक। तो आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, थर्मल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन। यस, इसीलिए क्या होता है, जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, और जब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो मेल्ट होने लगते हैं। ओके, तो सेकेंड केस आएगा आपका लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की जब हम बात करेंगे तो बेटा आपके जो ये इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसके बारे में बताएंगे क्या होगा? यस, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आपके मॉडरेट हो चुके हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मॉडरेट हैं, और अब जो आपकी थर्मल एनर्जी है वो रिलेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए। सो थर्मल मोशन और थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू वाइब्रेशन भी होगा एंड ट्रांसलेशन भी होगा। फाइन, यस, ट्रांसलेशन तो फ्लो करेगा। यस, तो दो टाइप की आपके पास एनर्जी आ गई। और फिर आपके पास लास्ट में आता है गैसियस। गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लेस हो जाएगा, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन आर लेस, ठीक है। और यहां पर बेटा जो आपकी थर्मल मोशन होगा, गैसेस में आपको पता है रेंडम होता है, कहीं भी जा सकता है पार्टिकल। यस, काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई, और ये हाई काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाती है और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, इनके बीच कोई भी बाउंडेशन नहीं रहती। इसी को आप कहते हैं गैसियस स्टेट। बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस।
वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर लिखा हुआ है, बट सॉलिड और लिक्विड को हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम गैसेस के बारे में यहाँ पे ज्यादा पढ़ेंगे। थोड़े बहुत टर्म्स आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बट ज्यादा गैस के बारे में बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बेटा आपको टोटल 11 एलिमेंट्स मिलेंगे, टोटल 11 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एट नॉर्मल कंडीशंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, वैसे तो आप किसी को भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, हमने पीछे कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी जहां पे हमने कहा था कि हम 1 मोल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो वाली चीजें नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल कंडीशंस में ही गैसियस स्टेट में होती हैं, तो ये 11 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, इनर्ट गैस हीलियम आ गई, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फिर आपकी नियोन आ जाएगी। तो ये इनर्ट गैसेस में मार्क करता चल रहा हूं। इसके बाद फ्लोरीन, नियोन के बाद क्लोरीन आएगी आपकी, ठीक है, और फिर आपकी सारी की सारी इनर्ट गैसेस आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रिडॉन। जरा चेक कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपकी इनर्ट गैसेस हो गई, और उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 गैसेस हैं, ठीक है। हाँ, ये एच जो H2 फॉर्म में मिलेगी, Cl2 फॉर्म में मिलेगी, वो ठीक है, बट ये सब नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन वेरी लो। इंटर मॉलिकुलर पहले भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिए, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी लो। और जब आप आइडियल गैसेस की बात करते हैं, तो आइडियल गैसेस में तो आप कह देते हैं कि ये एज्यूम ही नहीं करते, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बट वही सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ठीक है। हाँ, तो ये सब इधर उधर भागते रहेंगे, और एक टर्म यहां पे यूज होता है, इसको समझिएगा, इक्विप्रोबेबल इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, चाहे तो लिख लीजिए, इक्विप्रोबेबल, इसका मतलब क्या है, जितने आपकी प्रोबेबिलिटी ईस्ट में जाने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी वेस्ट में, उतनी ही प्रोबेबिलिटी अप, उतनी ही डाउन, उतनी ही साउथ, उतनी ही नॉर्थ, हर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सारे डायरेक्शन में जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ले जाएगी, ठीक है। तो इक्विप्रोबेबल इन ऑल डायरेक्शंस, तो पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, फाइन। ओके, एक पॉइंट और लिखिएगा, इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन इज वेरी हाई। इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन, क्योंकि कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, तो इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन हाई हो जाता है। इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन इज हाई। अब मैंने आपको अभी बताया था, ये सेपरेशन हाई की जब हम बात करें, ये वेरी हाई भी लिख सकते हैं आप, वेरी हाई भी लिख सकते हैं। तो ये जो वेरी हाई या हाई वाला जो टर्म हमने यूज किया है, ये है उनके साइज के कंपैरिजन में, राइट। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो लिख लीजिए, वेरी लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया? ओके, आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए जिसमें आपका मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और इसमें आप
ये गैसेस हैं। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि प्रेस होने पे, चलिए मैं इधर इसको डायग्राम को बना दूं। हाँ, ये डायग्राम आपको कुछ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, आपने इसको प्रेस कर दिया पिस्टन को यहां तक, ठीक है। तो आपकी जो सारी की सारी गैसेस हैं वो इतने वॉल्यूम में आ जाएंगी, तो ये कंप्रेस हो गई। आप और कम करना चाहेंगे और कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यही चीज आप सॉलिड या लिक्विड में करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, वहां पे इतनी इजीली ऐसे आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारे पॉइंट्स हम पहले लिख चुके हैं। चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं, गैसेस ऑलवेज ऑक्यूपाई, गैसेस ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, ठीक है। अब बेटा ये तो आपने बता दिया कि ये गैसियस स्टेट है। अब इस गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स लिए गए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसमें काफी चीजें आपको पता हैं, लेकिन हाँ एक बार मेरा काम है आपको बताना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ गैस या स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड बाई फॉलोइंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स लिखिएगा। हाँ, किसी को याद है कैसे आप डिफाइन करेंगे? फॉलोइंग पैरामीटर्स, क्या क्या आपको बताना होगा गैसेस स्टेट में। चलिए नंबर वन लिखिए, एक तो आपका होता है बेटा अमाउंट ऑफ गैस। अभी आगे इसको डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। अमाउंट ऑफ गैस, फाइन। हाँ, या वेट ऑफ गैस भी आप कह सकते हैं, मास ऑफ गैस कह सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस, ये आपका एक टर्म हो गया। दूसरा बेटा, जब भी आप गैस की बात करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैस, किस कंटेनर में है। आप उस कंटेनर का ही वॉल्यूम बताएंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इतना वॉल्यूम है गैस का, ठीक। 1 लीटर, 2 लीटर, तो अगर आपने उसे 1 लीटर कंटेनर में रखा तो आप गैस के बारे में कहेंगे 1 लीटर वॉल्यूम में। ये सब चीजें आगे आएंगी क्वेश्चन जब करेंगे, ठीक। ओके, थर्ड केस जो है वो है आपका टेम्परेचर ऑफ गैस, थर्ड केस है टेम्परेचर ऑफ गैस। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ वन, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, राइट। तो इतनी चीजें आपको बतानी होंगी जब आप किसी गैस के बारे में बता रहे हो। क्या क्या? अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। चलिए तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस आप कैसे कैसे बता सकते हैं। तो जब आप लिखते हैं अमाउंट ऑफ गैस, तो एक तो तरीका आपके पास है कि आप उसका वेट बता दें। हाँ, अब आपको मैंने ये पहले बताया हुआ था कि फिजिक्स में तो हम mg कहते हैं वेट, ठीक है, लेकिन यहां पर जो मास होता है वो ही ले लेते हैं। तो वेट ऑफ गैस इन ग्राम्स आप ले सकते हैं, ठीक है, केजी में दिया जा सकता है। जनरली इसको आप जो सिंबल यूज करते हैं वो आप यूज करते हैं स्मॉल m, कुछ और यूज करेंगे, w यूज करेंगे तो मेंशन कर देंगे, बट स्टैंडर्ड एक आप स्मॉल m आज के बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो वेट ऑफ गैस हो गया, या आप कह सकते हैं मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस का सिंबल अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको एन, ठीक है, यस, एन से आप कर सकते हैं। एन क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास, याद आया, एम जो है वो मास ऑफ गैस है, ये सब हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, मास ऑफ गैस।
और कैपिटल एम जो है वो आपका मोलर मास, और दोनों को आप ग्राम में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कई बार ये बहुत रेयर होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ऐसा तो हमने देखा था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यस। तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। क्लियर? तो इसको आप जनरली कैपिटल एन से डिवाइड डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। और यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके मोल्स आ जाएंगे एन डिवाइडेड बाय एन। ऐसे किया था, याद आया? चलिए, तो अमाउंट ऑफ गैस इतनी तरह से आपको दिया जा सकता है, या आप इतने वेज में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहां पर बेटा वॉल्यूम जो है इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसमें कई बार बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। देखिए, मैं आपको एक कंटेनर दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, 2D में दिखाया है, बट ये क्यूब टाइप मान लीजिए या सिलेंडर, जो भी आप एज्यूम करना चाहें, किसी भी तरह का एक कंटेनर एज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको ना इसमें कुछ गैस के ये मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं। हाँ, आप एटम है, एटॉमिक है तो एटॉमी हो जाएगा, नहीं तो हाँ मोनो एटॉमिक है, जैसे हीलियम है तो ये एटम की तरह ट्रीट हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिएगा। यहां पर मैंने आपसे कहा, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये आपका वी है। ठीक है, अब एक चीज समझना, एक टर्म आता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है टर्म? इसमें कई बार हो सकता है बुक्स में आपको एक टर्म लिखा हुआ मिले, रिजिड। ठीक, ये जो मैंने आपको, इसको ऐसे अज्यूम कीजिए कि ये एक रूम है और इसमें कुछ बैलून्स हैं, रेड कलर के बैलून्स। तो ये जो बैलून का वॉल्यूम है ना, हाँ, इसे आपने कहा है रिजिड वॉल्यूम। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम होगा, छोटे पार्टिकल होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अभी मैं उसे कह रहा हूं, लेट से ये वी नॉट है, रेड कलर के जो मॉलिक्यूल है उनके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। समझ में आया? अच्छा, तो अब ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, फ्री स्पेस कितना हुआ? फ्री स्पेस टोटल वॉल्यूम में से वी नॉट माइनस कर देंगे, यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। जिस वॉल्यूम में ये गैस इधर उधर टहल पाए, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक। अरे कुछ तो उसका वॉल्यूम है, भाई आप मुझे देखेंगे, मैं कह रहा हूं मैं उस रूम में बैठा हुआ हूं, तो कुछ तो मेरा वॉल्यूम है, मैं कितनी जगह मूव करूंगा? अपने वॉल्यूम को हटा के जो बचा वही वॉल्यूम पे तो मूव करूंगा। कुछ बात समझ में आई? ओके, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफाइंड एज, ओके लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफाइंड एज फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर रैंडम मोशन, लिख लीजिए रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये यहां ऐसे गया, टकराएगा, इधर आएगा, टकराएगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा ये। क्लियर? तो जितना फ्री स्पेस है उसमें क्या होगा? वी माइनस वी नॉट। अच्छा, अब जरा सी बात करते हैं, इन केस ऑफ आइडियल गैसेस,
वी नॉट या ये रिजिड वॉल्यूम होता है, ये आप ले लेते हैं जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा, आपने गैस मॉलिक्यूल्स को ट्रीट किया, ट्रीटेड एज पॉइंट मास, लिख लीजिए। पॉइंट मास का मतलब उसका अपना कोई वॉल्यूम है ही नहीं, गैस पार्टिकल्स जो आपके पास हैं उनका कोई वॉल्यूम है ही नहीं। ये तभी आप लेंगे जब आपको क्या कहा जाएगा, आइडियल गैस। ठीक, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बेटा जब आप बात करेंगे यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो जनरली आप मीटर क्यूब में एसआई यूनिट तो ये रही आपकी, है ना, एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि आपको कई बार ये मीटर क्यूब में कहानी ना मिले। यस, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, हर जगह मिल रहा होगा। तो कुछ लिखें, अच्छा अगर आपको याद हो, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, ये याद रखना। एक तो ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 cm, 1 cm, 1 cm ऐसे ले लूं, तो ये जो मेरा वॉल्यूम है 1 cm, 1 cm और 1 cm, ये मेरा वॉल्यूम होता है 1 ml के बराबर। बात समझ में आई? तो 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है 1 m³ में आपके 1000 L होते हैं बेटा। हाँ, अब इसको याद करने का तरीका क्या, घर के ऊपर का टैंक याद रखो, उस टैंक का साइज 1 m/1 m/1 m अगर है तो उसमें 1000 आपकी बॉटल्स, इस तरह की बॉटल्स, ये एग्जैक्टली 1 L नहीं है, स्लाइटली लेस देन 1 L, ओके, बट इस तरह की जो बॉटल आपकी होंगी, दिख रही है आपको बॉटल, गायब हो गई, ओके आप देख रही होगी, ठीक है, ये बॉटल जो है इसमें आपकी 1 L वाटर आ जाएगा, तो 1000 bottles आपकी आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ओके, ये आप इसी को लिख सकते हैं 10^6 ml। तो ये सारे कन्वर्जन आपने 4th-5th से शुरू हो जाते हैं, मैथ्स में बहुत सारे किए होंगे, तो अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट लिखिएगा टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। हाँ, जनरली जब हम टेम्परेचर लेंगे तो बेटा वो केल्विन में लिया जाता है, बट बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको यहां पे डिग्री सी में दिया हो। एसआई यूनिट तो आपकी केल्विन है, एसआई यूनिट केल्विन, बट डिग्री सी में भी मिल सकता है, और ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, डिग्री सी प्लस 273.15, जनरली आप 273 लेके करते हैं, बट एग्जैक्ट जो है वो 273.15 ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू के, केल्विन आ गया, फाइन, ओके ओके। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑल्दो इसकी बात आप आगे करेंगे, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, हाँ यहाँ पे थियोरेटिकली लिख लीजिएगा, बिकॉज ये ग्राफ से मिला बेटा, यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, जीरो केल्विन, फाइन, हाँ जीरो केल्विन, पूरे लिख लीजिए जीरो केल्विन। और जनरली हम टेम्परेचर, ये रूल बना लीजिए कि आपको डिग्री सी में दिया है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, हम टेम्परेचर जो है वो केवल और केवल केल्विन में डील करेंगे, सो वी ओनली डील टेम्परेचर इन केल्विन, फाइन,